इसमें सोच भी नहीं सकते इतने मोटाई ज्यादा है हो रही इसकी गन्ने की और हाइट भी तो हाइट तो का तो तोड़ी है जी। हाइट तो ढेर ज्यादा है। लोग यूं कहेगी हमारा हाइट नहीं जी। जिस भाई को ना दिख रही हो हाइट कहीं भी तो हमारे आके एक बार चेक कर ले, आके देख लो एड्रेस आपने बता दिया। हाँ के गन्ना है ये 14201 ऐसा भी हो सके। तो ये यहाँ से मैडा शुरू होगा 14201 का, यहाँ से डोल है जी, यहाँ से शुरू है जी। अच्छा और ये कौन सा पिच है? ये तो 38 है जी। अच्छा ये यहाँ से जो दो मैडे, ये तो इधर 38 है। हाँ? ये यहाँ से इधर 201। ये देखो जी तो इस साल है, अब की बार दूसरा साल है। हाँ? और आने वाले एक दो साल में जब स्टार्टिंग में 35 था, 35 का गंडा बारीक था, 13-235 का जी। उस साल 3-4 साल हो गए 35 आए हुए को, तो इस बार 35 में हद से ज्यादा सुधार है जी। मोटाई ले रहा जी बहुत ज्यादा। बोर्ड में भी है, मुड्ढू में भी बहुत ज्यादा मोटाई ले रहा। और ऊपर मेहनत के ऊपर बात है जी। हाँ तो बीज 13-235 भी चलेगा। हाँ जी। और भाई तो चल रहा जी। और नहीं तेरा खेत देख तो ये 14-201 भी चलेगा ना जरा। हाँ जी बढ़िया चल रहा बहुत। अब नहीं भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज शामली के दरगाहपुर गाँव में पहुंचे, परमेंद्र प्रधान जी के खेत पे हैं भाइयों, और साथ में उनके बेटे हैं सिद्धार्थ भाई, और इनका भाइयों 14201 वैरायटी का खेत दिखाऊंगे। किसान भाई इसे कुछ पसंद भी नहीं कर रहे, और आज ये 14201 की वीडियो बनाने का ये मकसद है कि भाई इस तरह का खेत भी हो सके 14201 का, तो ये दिखाऊंगे भाइयों आपको। तो भाइयों किसान भाई का परिचय लेंगे और इनका खेत दिखाऊंगे। बंदा खड़ा भाइयों 14201 इतनी हाइट भी ले सके, ये सारी कुछ जानकारी लेंगे किसान भाई से। आओ जी मिलवाते हैं एक बार। हाँ जी भाई अपना परिचय करा दो एक बार। नमस्कार जी मेरा नाम सिद्धार्थ है जी। जी पापा का नाम परमेंद्र प्रधान, ग्राम दरगापुर, जिला शामली। जी जी तो ये हमारा ये आए थे जी वीडियो बनान अंकल जी। जी ये हमारा 14201 है जी, वैरायटी जी। इसमें जो जब बोर्ड था, बोर्ड के टाइम पर तो इसमें बहुत बड़ी गन्ना था। अच्छा लेकिन इस बार इसमें मुड्ढा है जी। लेकिन इस बार इसमें सोच भी नहीं सकते इतने मोटाई ज्यादा हो रही इसकी गन्ने की जी। और हाइट भी तो हाइट तो का तो तोड़ी है जी। हाइट तो ढेर ज्यादा है। लोग यूं कहेगी हमारा हाइट नहीं जी। जिस भाई को ना दिख रही हो हाइट कहीं भी तो हमारे आके एक बार चेक कर ले, आके देख लो एड्रेस आपने बता दिया। हाँ ओके गन्ना ये 14201 ऐसा भी हो सके। तो ये यहाँ से मैडा शुरू होगा 14201 का, यहाँ से डोल है जी, यहाँ से शुरू है जी। अच्छा और ये कौन सा पिच है? ये तो 38 है जी। अच्छा ये यहाँ से जो दो मैडे, ये तो इधर 38 है। हाँ? ये यहाँ से इधर 201 चालू होगा। अच्छा 14201 जी। चलो एक बार अंदर दिखाऊंगे और इसकी लागत के बारे में भी पूछेंगे भाई से। भाई काका लागत दे रखी, ये देखो जी सारा इसी तरह खड़ रहा बंद रहा। एक मंगा ही करवा दी भाई, एक हुई जी। हाँ, दूसरी मांग रहा जी पूरी ठाडो के। अच्छा जी। तो ये देख लो हाइट, देखो एक बार हाइट चेक करो, खड़ा हुई एक बार ये खाल में से। ले भाई हाइट भी चेक करवा देंगे भाइयों। हाइट तो ढेर हो रही जी। ये देखो जी हाइट, ये देख लो जी हाइट, मेरे ख्याल से 12-13 फुट हो रही होगी। 11 के करीब हो रही होगी गन्ना 11-12। हाँ नहीं ये देख 11 हो रही। हाँ चलो 11 तो हो ही रही, इतनी भी नहीं होती इसकी तो भाई। तो भाइयों ये देख लो यहाँ, पिछले साल भी जब बोर्ड था जी उस टाइम गन्ना तो बारीक था लेकिन गन्ने की हाइट बहुत बढ़िया थी। थारे हाँ जी। और हाइट तो इसकी होती नहीं, तुमने क्या डाला था भाई? हमारा तो हाइट इसकी स्टार्टिंग से ही है। अच्छा और बुआई मवाने से लेके आए थे, टिशु एग्रीकल्चर का हमने बोया था। अच्छा हाँ जी। और बुआई कितने इंची पे? 30 पे जी। 30 पे ही है ब्यांत भी ठीक कर रखा, लेकिन पिछले साल के हिसाब से इस बार मोटाई दुगनी है, दुगनी कह लो तिगनी कह लो, इतनी ज्यादा मोटाई है। तो ऐसा कौन सी क्या डोज दे रखी इसमें, क्या रहा डोज? तो वही है जी जो 38 में दे रखी वही इसमें दे रखी। खाद कितनी बार डाल दिया इसमें? खाद तो डलिया होगा जी तीन बार खाद डाल दिया। क्या क्या डाला लगभग उसमें? 35 में एक बार डाला, इसमें एक बार डाला। अच्छा यही एनपीके वगैरह? अच्छा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अच्छा और स्प्रे भी करें? एरिज के प्रोडक्ट हम ज्यादा यूज करे जी। अच्छा एरिज के स्प्रे तो जितनी 38 पे होली इतनी स्प्रे होगी जी। उसका कुछ कम है? अच्छा 1-2 स्प्रे कम है 38 से। तो कुछ रोग आया था कि नहीं आया? नहीं जी कोई रोग नहीं आया जी। तो आज एक बार मोटाई दिखवा दो, कहाँ को है देख लो, यहाँ देख लो ऊपर। तो पहले तो गोंड देख लो जी, कितनी मोटी है जी दिखा दो। इतनी मोटी तो वही नहीं पड़ती जी। नहीं जी ये देखो भाई 14-200 करने, तो इस बार तो बहुत मोटा करना है उसको जी। देखो सब भाई को पता होगा इस गंडे की पहचान तो बहुत है, छोटी पूरी हो इसकी। देख लो जी मोटाई नहीं है बिल्कुल बिल्कुल।
नहीं इसका सारा ही स्वरूप बदल रहा चक्कर है ना। इसकी आंख देखो कितनी कितनी बढ़िया उबड़ माक है, आंख एक नंबर की है इसकी, जमा भी बहुत गजब है। नहीं जैसा मैंने ट्रंच में देखा है, हमारे गांव में बुरा ट्रंच विधि से बुरा, तो उसकी पत्ती खड़ी खड़ी सी है, पत्ती तो इसकी भी खड़ी खड़ी है। नहीं अब बंधने के बाद में तो लटक रही ऊपर हाइट हो गए या नहीं, बस हो रही होगी कुछ फर्क होगा या ज्यादा हाइट लेने की वजह से हुई है बंधने की वजह से। बंद तो रहा कितने दिन से बंद रहा है, हो गए सर 20 दिन हो गए बंदे हुए को, 18-20 दिन। अच्छा एक जून आ रहा जी, दूसरा जूना मांग रहा अब तक दिया नहीं, लेट कर रखा, जाने के कुछ खींचेगा आ जाएगा। बढ़िया हो रहा जी, बहुत बढ़िया, पहले बोर्ड में भी बहुत वजन था। अच्छा गन्ना बारीक होने की वजह से भी गन्ने की वजन बहुत था गन्ने में। अच्छा बारीक के उससे देखते हुए भी तो गोला बहुत है, एवरेज अच्छा आ गया था। हाँ जी तो अब कभी करीब हुआ, कब करनी करी इसकी? इस बार तो थोड़ा सा बो रखा जी। अच्छा ज्यादा नहीं बो रखा है, वो आता है चेक करने के नाम का कैसा चले, धरती पकड़े मिट्टी पकड़ रहा नहीं पकड़ रहा, उस हिसाब से चेक की वजह से बो रखा थोड़ा सा। तो दूसरी जगह टॉप बोरर भी है थोड़ा बहुत, इसमें थरे आनी नहीं जी, मारे नहीं है हमारे तो 38 में भी टॉप बोरर नहीं है जी। हाँ बिल्कुल देख लिया भाई खेत। हाँ। सारे तरह तो इतने बड़े खड़े, कोई से भी खेत में हमारे कोई बीमारी नहीं है जी, ना पोगा बोइंग है ना टॉप बोरर है। एक बस वो आई थी थ्रिप्स आई थी बस, वो माइट 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 आई थी बस, उसकी स्प्रे कर दी थी ठीक हो गई थी वो। उसमें कौन सी दवाई लगाई थी? ओ माइट। अच्छा वो उससे कवर हो जा। हाँ जी आ जाओ, एक बार फोन बंद कर लो और एक बार अंदर दिखाऊंगे। ये देख लो भाइयों 14201 वेराइटी, अंदर से दिखाऊंगे एक बार, अंदर भी बदल रहा है 14201 ही है। ये देख लो, आ जाओ आप, आ जाओ इधर। ये देखो जी एक बार बंधाई हो रही 14201 वेराइटी की, और पत्ती लटक रही भाइयों। ये थोड़ा सा दिखाई देखने में दिक्कत आ। अच्छा ये खुल रहा था मेरा एक। हाँ जी ये देखो तुम गंडे की मोटाई देखो, मोटाई बढ़िया हो रही भाई। ये एक मेरा खुल गया ऊपर भी देख लो, गिर रहा है खुल के। यार एक बात समझ में नहीं आई सिद्धार्थ भाई, ये इतनी नजाकत कैसे है गन्ने में तेरी सारे खेतों में? बस जी मेहनत कर रखी है। नहीं मेहनत तो सभी करे भाई, सब करे। ये एरेज कंपनी है क्या? अब कुछ दो जी कुछ अलग से रखे हैं है? जैसा एरेज के प्रोडक्ट करो इस्तेमाल, उनका भी है क्या फर्क? है जब नजाकत है भाई गन्ने में। ये देखो जी तो इस साल है, अब की बार दूसरा साल है और आने वाले एक दो साल में, जब स्टार्टिंग में 35 था, 35 का गंडा बारीक था 13-235 का जी। उस साल 3-4 साल हो गए 35 आए हुए को, तो इस बार 35 में हद से ज्यादा सुधार है जी। हाँ, मोटाई लेगा, मोटाई ले रहा जी बहुत ज्यादा, बोर्ड में भी है मुड्ढू में भी बहुत ज्यादा मोटाई ले रहा। और ऊपर मेहनत के ऊपर बात है जी। हाँ तो बीज 13-235 भी चलेगा जी। और भाई तो चल रहा जी, और नहीं तेरा खेत देख कर तो ये 14-201 भी चलेगा ना जरा। हाँ जी बढ़िया चल रहा बहुत। अगर नहीं यहाँ अंदर करिए हाथ एक बार दिखाइए, तेरी हाइट कितनी है उस मेढे पे जो खुला खड़ा है पर लाई, चलो इसको दिखा दो। ये देख लो भाई 6 फुट की हाइट तेरी हो रही होगी, यहाँ भी 8 फुट का गन्ना हो रहा होगा। हाँ जी गन्ना तो बहुत हो रहा है। हाँ ये देखो भाई हाइट कितनी बढ़िया हो रही है, और अंदर पत्ती लटक रही भाई, ज्यादा अंदर तक जो है दिखाई नहीं देता जी। ये देख लो जी, ये दूसरे फूड में भी इस तरीके से है भाई, 14-201 वेराइटी है ये है जी। है भाई सिद्धार्थ अंदर तो ये दो बार बनने के बाद में क्लियर होगी तेरी ये मतलब जो है फूड है कि नहीं? ये बंदे भी नहीं रह रहा जी भी। हाँ देखो तुम यहाँ देखो जी, देखो गोंड की मोटाई देखो, क्योंकि जिस भाई ने भी बो रखा होगा तो उसे पता तो होगा गोंड कैसी, गोंड देखो कितनी मोटी। बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। तो भाई ये देखो 14-200 गोंड का बहुत ज्यादा वजन है जी इसकी जी। ये देखो जी 30 इंची पे बुआई है भाइयों, और स्प्रे तो मेरे ख्याल से 38 के साथ 2-3 होगी होंगी। हाँ 38 पे ज्यादा है जी। अच्छा 38 पे होली जी 5 स्प्रे। अच्छा 38 पे 5 होली। हाँ। और इस पे ऐसी होगी 4 के करीब, 3-4 है जी। अच्छा 3-4 इस पे भी होली। हाँ। जी तो भाई बीज तेरे तो बढ़िया चल रहा है यार, बता किसान नु कहे कि ये बीज किसान के हित में नहीं है, कैसे क्या डाल लिया कहां जी? चल रहा जी मारे तो 35 भी ढेर बड़े चल रहा जी। नहीं 35 तो मुड्डा खड़ा बहुत मोटे गन्ने है जी। अच्छा हाँ जी 35 में भी 35 में बहुत मोटे गन्ने 35 में मुड्डे में जी, बोर्ड के हिसाब से मुड्डे में ज्यादा है।
मोटे गन्ने नहीं, वो तो दूसरे साल में देखो ज्यादातर बीजों में ऐसा ही हो के पौधे गन्ने में थोड़ा सा बारीक रहे और जो है मुड्डे में जो है थोड़ा सा मोटा हो जा। तो भाइयों ये देखो 14201 वैरायटी दिखाई मैंने आपको, यहाँ जो है अंदर ईखों के बीच में है खाल में खड़े, और ये इस साइड में जो है 14201 वैरायटी खड़ी भाइयों, बंदा खड़ा। और किसान भाइयों कहें कि भाई बांधने की जरूरत नहीं पड़ती इसे, हाइट कम रहे हैं इसी, यही तो कहें हाइट कम रहे। और इसकी हाइट भाइयों बहुत ही जबरदस्त हाइट ले रहा बंधवा रखा, दूसरा भी बंदा जा रहा जी। चलो तो भाइयों ये सिद्धार्थ भाई के खेत की वीडियो थी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 14201 वैरायटी दिखाने का प्रयास करा। तो भाइयों ये थी सिद्धार्थ भाई के खेत की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी, सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।